एआईएमआईएम पार्टी के महानगर अध्यक्ष फैसल वारसी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मेयर प्रत्याशी की घोषणा की। इस दौरान एआईएम के पदाधिकारी रहे मौजूद। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम गाजीपुर में आयोजित हुआ है। सीएम योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 कार्यक्रमों में व्यवस्थाओं का मंडलायुक्त ने किया है निरीक्षण। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। असमोली के कांग्रेस नेता हाजी मरबूब आलम ने सपा नेताओं की आलोचना की है। कहा, स्थानीय जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। 2024 में लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। मधुरमा रेस्टोरेंट संचालक से 2.5 करोड़ रुपए की मांगी रंगदारी। पुलिस अधिकारियों ने 2 आरोपियों से की पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। भारतीय कुश्ती महासंघ अब एक अखाड़ा बन गया है। यौन शोषण का आरोप और जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन करने के बाद भारतीय कुश्ती महाध्यक्ष के संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर इस्तीफे देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको इसको लेकर अब ब्रजभूषण सिंह का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं बोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, मैं किसी की दया से यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। वहीं अपना इस्तीफा को लेकर कहा कि मैं दोषी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता। ब्रजभूषण सिंह ने इस बयान को लेकर स्वर्गीय पंडित सिंह के छोटे भाई नरेंद्र सिंह ने कटाक्ष किया है। अभी आपने सुना होगा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जो उनके खिलाफ जो रेसलर जो है धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज तक कहीं इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धरना प्रदर्शन पे कभी रेसलर जाके खिलाड़ी जाके कहीं बैठे, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। उसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो रेसलर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो लोग जो है इस समय जो है इतना ज़्यादा परेशान है इस सर्दी में, जो है वो लोग जो धरना प्रदर्शन जो है वहाँ पर दे रहे हैं, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि भारत में कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट जो इस तरह धरना प्रदर्शन करे, ये नहीं होना चाहिए। और जो आदमी गोल्ड जीत के आता है वो देश का नाम करता है। तो इसके वजह से जो है मैं यही चाहता हूँ कि इस पे जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके बाद में जो है जो सही निकले वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन बच्चों को, सारे लोगों को, जितना गोल्ड मेडलिस्ट हैं सबको मैं यही चाहता हूं कि इनकी मांगे जो है पूरी की जाए। जो है लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे हैं। उन्होंने सीएम योगी की अगुवाई में पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन, बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक और बंसी बाजार में पूर्व सैनिकों से मुलाकात का संवाद किया। ITI मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गाजीपुर की धरती महर्षि विश्वामित्र ने सोचा था कि प्रभु की कृपा से अपराधी, माफिया, आतंकी मारे जाएंगे। इसी के तहत मेडिकल कॉलेज का नामकरण विश्वामित्र के नाम पर किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने अपनी सही ताकत का उपयोग कर डबल इंजन की सरकार बनाई है। उन्होंने बताया कि विकास का मतलब है हीरा समझता हूँ। इस दौरान उन्होंने हीरा का मतलब समझाते हुए कहा कि हीरा ए का अर्थ है हाईवे, आई का अर्थ है इंटरनेट, आर का अर्थ है रेलवे, जबकि ए का अर्थ है एयरवे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक कर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। जब संत तुलसीदास जी अपने रामचंद्रमानस में इस बात का उल्लेख करते हैं, राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का माध्यम क्या है, उस समय एक पंक्ति हम सबके मुंह में बरबसा पाती है कि गाद तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निसिचर पापी। ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं,
और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे, इसी धरा से उनका संबंध था महर्षि विश्वामित्र का। विश्वामित्र से जुड़ी भी इस पावन धरा, और इसीलिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आज अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब जो मेडिकल कॉलेज इस धरती को मिला था उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महर्षि विश्वामित्र के नाम पर ही रखा। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है, इस बात को भी हमको ध्यान रखना। और आज फोर लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम, ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया, और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश। संभल में एक बार फिर दबंग युवक द्वारा राइफल और पिस्टल के साथ डिस्को का वायरल वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहे वीडियो में युवक अपने कंधे पर राइफल रखकर डांस करता नजर आ रहा है। यही नहीं, युवक के साथ डांस कर रहे उसके दोस्त भी अपने हाथों में हथियार लेकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। आरोपी युवक असमोली विकास खंड के भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख का बेटा बताया जा रहा है। एचोड़ा कम्बोह थाना पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपी युवक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राइफल पिस्टल के साथ डांस कर रहे युवक के नाम पर शस्त्र को लाइसेंस नहीं है। खबर प्रयागराज से है, जहां एआईएमआईएम पार्टी के महानगर अध्यक्ष फैसल वारसी ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। नगर निगम मेयर पद के चुनाव के लिए एआईएमआई पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में मोहम्मद नकी खान को मेयर पद के लिए टिकट दिया है। नकी खान एक समाज सेवी हैं और उनका कोई सियासी अनुभव नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 कार्यक्रम के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारी लगातार कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। मंडलायुक्त रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार, लखनऊ विकास प्राधिकरण VC इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, PWD अधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने शहीद पथ पर सेंट्रल होटल और अमोसी एयरपोर्ट पर तक कार्यों का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड और गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड का आयोजन हुआ है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने परेड ग्राउंड पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया और डायल 112 परिवहन शाखा का निरीक्षण किया है। इस दौरान इवेंट पुस्तिका, हिस्ट्री बुक, लॉग बुक, संबंधित अभिलेखों, पुलिस लाइन बैरकों की साफ सफाई, GP स्टोर, गणना कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने शस्त्रागार में आर्म्स एम्यूनिशन का निरीक्षण, मैस की गुणवत्ता, साफ सफाई के अधिकारियों को निर्देशित और उत्साहवर्धक किया गया है। कहर कानपुर से है, जहां शहर निवासी जाम की समस्या से दो चार होने को मजबूर हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही लगातार जारी है। बर्रा से पनकी की जाने वाली नेशनल हाईवे पर लोग आए दिन जाम की समस्या से परेशान होते हैं। यातायात पुलिस जाम से निजात दिलाने के स्थान पर वाहन स्वामियों से अवैध वसूली कर रही है। खबर प्रयागराज से, जहां विश्व के सबसे बड़े धार्मिक कुंभ मेले में कल मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। माघ मेले के दौरान अमावस्या अमावस्या का पर्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राइम TV से खास बातचीत के दौरान मौनी बाबा महाराज ने बताया कि मौनी अमावस्या पर्व पर संगम में मौन रहकर स्नान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं
और संगम नगरी से दूर रहने वाले मौनी अमावस्या पर विशेष पूजा अर्चना कर परिवार के लिए पुण्य लाभ कमा सकते हैं। माघ मास में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान कल है और इस आज ही से काफ़ी बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल से आके संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक बृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनके आने के और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए हैं, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब वो स्नान करें तो हम उनको सुरक्षित स्नान प्रदान करें, इसके लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइन और जाल की व्यवस्थाएँ संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर की गई हैं। इसके साथ ही जो रिवर लाइन्स हैं उसके साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF के जवान और NDRF की टीमें व्यवस्थापित की गई हैं, साथ ही प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आज मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है और कहा जाता है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौनी बाबा जी महाराज, हम इनसे बातचीत करेंगे कि मौनी अमावस्या का स्नान पर्व कितना महत्वपूर्ण है संगम में। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है, और कितना महत्वपूर्ण है संगम में मौनी अमावस्या का स्नान करना? त्रिवेणी का यह पावन पर्व इस समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 30 वर्षों बाद शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ। 30 वर्षों बाद कुंभ की राशि में जब शनि प्रवेश कर रहा है उस समय शनिवार को मौनी अमावस्या पड़ रही है, इसलिए राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा वृद्धि समृद्धि के लिए चैतन्य रहते हुए अनुष्ठानों को करना होगा। तप और आहुति करते हुए कल दान पुण्य और अन्य प्रकार की वस्तुओं के लिए भी हमें संकल्पित होना होगा। तिल और तेल के साथ साथ वस्त्र कंबल अन्य का भी हम दान करें और ये प्रयास करें कि सूर्य को 27 बार अर्घ दें। क्यों नहीं 27 बार? क्योंकि संपूर्ण विश्व के लोग जो हैं 27 नक्षत्रों में ही पैदा होते हैं, उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से हम सूर्य को अर्घ दें जिससे पूरे राष्ट्र की रक्षा हो सके। जो मौनी अमावस्या का पावन पर्व है इसमें हम किसी भी प्रकार की चूक ना करें जिससे हमारे देश के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति पैदा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, जीवन सुरक्षा के लिए, बाधाओं से मुक्ति के लिए तथा अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम का जो शास्त्रों में प्रयोग है उसके अनुसार अनुष्ठान करके पूजा करके 7 बार डुबकी लगाएं। डुबकी लगाते समय मौन रहे, मन में जपेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंगा देव्यै नमः, ओम भगवती महासिद्धये नमः, ओम तीर्थराज प्रयागाय नमः। ऐसे जिस भी इष्ट को स्मरण करते हुए या अपने इष्ट का मंत्र का राम रामे तिरामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने, यह एक मंत्र है। इस मंत्र को जपने के बाद 1000 मंत्र जपने का फल प्राप्त होता है। इस मंत्र को जपते हुए यदि आप गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, कल स्नान करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही हैं कि क्यों प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। अगर संगम नगरी की बात की जाए तो मेला प्रशासन द्वारा बनाए गए विभिन्न घाटों पर आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना आदि सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहा जाता है कि जितना एक यूरोपीय देश की जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोग एक दिन में प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं। पवन पटेल, Prime TV, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में कल मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। कहा जाता है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान पर्व सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व माना जाता है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से श्रद्धालु सर पर आस्था की गठरी लेकर संगम की ओर जा रहे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर जल पुलिस के अलावा जगह जगह पुलिस के टीम तथा ATS कमांडो भी लगाए गए हैं। मेला प्रशासन की माने तो 2000 CCTV कैमरे से मेले की निगरानी की जा रही है। खबर औरैया से, जहां सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं जबकि 3 सुरक्षित बच गए हैं, जिन्हें राहगीरों की मदद से कार से बाहर निकाला गया है और पास के ही एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेज रफ्तार से थी। ओवरब्रिज पर चढ़ने से पहले ही कार अनियंत्रित होने के कारण डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। फिलहाल पुलिस में अभी तक कोई भी सूचना दर्ज नहीं कराई गई है।
खबर कानपुर से, जहां दोहरे हत्याकांड डकैती का पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया है। हत्या डकैती की वारदात में शामिल 6 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से नकदी और आभूषण बरामद किए गए हैं। अन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम उनके ठिकानों पर दबिश कर रही है। 13 जनवरी की रात ककवन में बुजुर्ग दंपत्ति छविलाल इमरती देवी के अज्ञात लोगों ने गला घोट कर हत्या कर दी थी और आभूषण नकदी लेकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया था। सफलता मिलने पर पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है। अभी इस घटना के संबंध में डीसीपी वेस्ट विजय ढुल, एडिशनल डीसीपी लखन यादव, एसीपी आलोक वर्तमान और पूर्व थानाध्यक्ष ककवन और उनके साथ 2 टीमें लगी थी। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और जब से घटना हुई है तब से वो लगातार इस घटना को वर्कआउट करने में प्रयासरत थे। मेरे स्तर से दोनों टीम्स को जो ककवन की घटना को वर्कआउट किया है उन्हें 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया है तथा सभी राजपत्रित अधिकारियों को मेरे स्तर से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा तथा उन्हें कमेंडेशन डिस्क के लिए मैं पुलिस महानिदेशक महोदय को प्रस्ताव भी प्रेषित कर रहा हूँ। इस घटना के संबंध में खबर लखनऊ से, जहां कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी अजय सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंसिंग रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आनन फानन में युवक के परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। युवक ने परिजनों बैंक के सीनियर अधिकारी आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। पुलिस अधिकारियों ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर धारा 306 के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश जारी किए हैं। आज दिनांक 20/1/2023 को अलीगंज पुलिस को जितेंद्र सिंह जो कि त्रिवेणी नगर अलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं वो आकर के सूचना देते हैं कि उनका पुत्र जिसका नाम अजय सिंह था, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है और जो कोटक महिंद्रा बैंक में काम करते हैं, उन्होंने जो अपने पिता की यानी जितेंद्र सिंह की DBBL गन थी उससे अपने ऊपर फायर किया है और उनको जब घायल अवस्था में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया उपचार हेतु तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पुत्र को अजय सिंह को कुछ बैंक के ही कोटक महिंद्रा बैंक के ही कुछ कर्मचारी जो हैं वो सीनियर अधिकारी कुछ प्रताड़ित कर रहे थे और जिससे तंग आकर के क्षुब्ध होकर के इन्होंने यह कदम उठाया है। सूचना प्राप्त और तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे की विवेचना जो है वो चल रही है। इसमें जो मृतक है इनका पोस्टमार्टम किया गया, आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां मधुरमा रेस्टोरेंट के संचालक मनीष गुप्ता ने विभूति खंड थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया है। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि संपत्ति के बदले लाभ दिया जा चुका है, फिर भी राम मनोहर और उनके पिता 2.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं और व्यापार नहीं करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने कहा कि निबंध कार्यालय पर राम प्रकाश मिश्रा, राम मनोहर मिश्रा और उनकी पत्नी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही चुकी है, लेकिन रुपए की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर दोनों को बाद में छोड़ दिया गया। अवैध वसूली के प्रकरण में 2.5 करोड़ रुपए जिसमें अवैध रंगदारी मांगी गई थी और इस संबंध में वसूली न देने के संबंध में जो है जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचना की गई और जो अभियुक्त था जिसका नाम राम प्रकाश मिश्रा पुत्र धर्मदेव मिश्रा, ये थाना क्षेत्र विभूतिखंड का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, इसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की गई है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 मुकदमे गोमती नगर में पंजीकृत हैं, 408/18 और 439/18, ये 304 और 30 आर्म्स एक्ट में इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत था। अभी थाना विभूति खंड में 34/23 अंतर्गत 386 पंजीकृत किया गया था, इसमें इसकी गिरफ्तारी करके इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसे जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है।
खबर हरदोई से, जहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे चाचा भतीजे अतरौली थाना के जलालपुर गांव के पास चौपहिया वाहन से बाइक सवार की टक्कर हो गई है। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस अधिकारी आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे की जानकारी पर घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई करने की जानकारी दी और वाहन स्वामियों पर परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। खबर हरदोई से है, जहां कछौना थाना के हरदोई लखनऊ मार्ग स्थित कटिया मऊ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। डीसीएम और कार की जोरदार भिड़ंत में कार सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची कछौना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सीएससी कछौना भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और मृतक के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए जिले अस्पताल भेजा गया है। हादसे की जानकारी पर युवक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। प्रभारी निरीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि संडीला वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे युवक सड़क हादसे का शिकार हुए थे। उन्होंने डीसीएम चालक की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश जारी किए हैं। खबर संभल से, जहां असमोली से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल और सांसद सफीकुल रहमान बर्क के बयान को खंडन करते हुए कहा कि दोनों नेताओं पर उम्र का असर दिखने लगा है, इसलिए वह उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। दोनों समाजवादी पार्टी नेता राजनीति के तहत स्थानीय जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चारों तरफ चर्चाएं हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर वर्क साहब ने जो तारीफ की है, वो एक तो उम्र का लिहाज है कि वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहलू ऐसा होगा कि इनमें टिकटबाजी चलती है समाजवादी में, तो दो पल्लू में कदम रखना ये डॉक्टर बर्क साहब पहले से ही चली आ रही है इनकी नीति। पार्टी जबरदस्त होकर के लड़ेगी, हमारी पार्टी इंशाल्लाह सरकार बनाएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे, हमें पूरा पूरा विश्वास है। राहुल एक ऐसा शख्स है जिसने 3500-3600 किलोमीटर की पथ यात्रा की है ऐसी ठंड में। गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर के सिटिंग एमपी होने के नाते वह सीएम योगी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का स्वागत करते हैं। बीजेपी के दोनों ही शीर्ष नेताओं के आगमन पर अंसारी ने उम्मीद जताई है कि नई यूनिवर्सिटी खोली जाए, सेना भर्ती, नंदगंज चीनी मिल समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का पर सरकार की ओर से जल्द ही कोई कदम उठाया जाएगा। गाजीपुर के सांसद की हैसियत से यहाँ के जनता की ओर से उनका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं कि एक उम्मीद जगी है, अपनी दूसरी पाली के सफल होने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने गाजीपुर में दिया। अब गाजीपुर में जब सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे लोग आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा शुभ अवसर है। बड़ी समस्या है यहाँ के छात्रों की, अब ज़रूरत इस बात की है कि इसी के साथ साथ आज इस शुभ अवसर पर एक विश्वविद्यालय गाजीपुर में स्थापित किए जाने का फैसला जनता को सुना दिया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना है। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।